इस वीडियो में मैं सबसे पहले पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। सबसे पहला पोर्टेबल कंप्यूटर या लैपटॉप किसके द्वारा बनाया गया था, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह एडम ऑसबॉर्न के द्वारा आविष्कार किया गया था। 3 अप्रैल 1981 को सबसे पहला लैपटॉप बनाया गया था। एडम ऑसबॉर्न का जन्म 1939 में थाईलैंड में हुआ था। इस लैपटॉप का नाम ऑसबॉर्न 1 था, उनके ही नाम पे इसका नाम रखा गया था। इस लैपटॉप की डायमेंशन की बात करें तो इसकी चौड़ाई 52 सेंटीमीटर थी, इसकी हाइट 23 सेंटीमीटर थी और इसका स्क्रीन का साइज 13 सेंटीमीटर LRT स्क्रीन। इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट लगभग 11 kg के बराबर था। की पावर की बात करें तो इसकी पावर 37 वाट मैक्स था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।